आज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बुलाई थी। बैठक अभी भी जारी है और सर्वप्रथम हमने ये निर्णय लिया है कि नगरी निकाय चुनाव में हम लोग अपने दम पर हर वार्ड में प्रत्याशी उतारेंगे। बिरगांव में, भिलाई में, विशाली में, जामुल में, मारो में, नरहरपुर में, जहां जहां नगरी निकाय चुनाव होने जा रहे हैं वहां हम लोगों ने अपनी कमर कस ली है, लोगों के बीच एक सशक्त विकल्प के रूप में हमने पहुंचने का निर्णय लिया है। साथ ही मेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद से अभी तक हमारे प्रदेश की, जिला की और ब्लॉक स्तरीय जो कार्यकारिणियां थीं उनका गठन नहीं हो पाया है। पिछले 2-3 महीनों से मैं प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, नए लोगों को जोड़ा है और आज की बैठक में हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय श्री धर्मजीत सिंह जी को अधिकृत किया है कि वे इस माह के अंत के पहले तक प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करेंगे। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 29 अप्रैल को हमारी पार्टी के सुप्रीमो स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी का जन्मदिन है और जैसा कि आपको मालूम है कि 29 मई को ठीक उसके एक महीने बाद उनका स्वर्गवास हुआ, तो उस पूरे 29 अप्रैल से लेकर 29 मई तक हम लोग पूरे प्रदेश में जोगी जी की याद में रोज कोई ना कोई कार्यक्रम करेंगे जिसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। पर हमारा उद्देश्य है कि उस एक महीने में हमारे पार्टी के द्वारा जोगी जी का संदेश लेकर हम हर गांव हर घर तक पहुंचे। ये भी हम लोगों ने निर्णय लिया है, आपको मालूम है कि बिरगांव में हमारी पार्टी के लोगों ने स्वर्गीय श्री अजीत जोगी जी और छत्तीसगढ़ महातारी की मूर्ति लगाने की अनुमति शासन से मांगी थी, लेकिन जैसे कौरवों ने पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दी, वैसे ही ये सरकार भी हमने बिरगांव में, भिलाई में, जामुल में, दुर्ग में, हर जगह जोगी जी की प्रतिमा बनकर तैयार है, लेकिन एक जगह भी वो लगाने की अनुमति हमको नहीं मिली है। हमने ये निर्णय लिया है कि 29 अप्रैल के दिन सभी जिला मुख्यालयों में जोगी जी की प्रतिमा का हम अनावरण करेंगे और हमें नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ महातारी और जोगी जी की मूर्ति लगाने के लिए हमें किसी की अनुमति का और ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता है। इसी तारतम्य में मैं बताना चाहता हूं, आपने सब लोगों ने जोगी जी की आत्मकथा सपनों का सौदागर पढ़ी है। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग उनके जीवन के बारे में पढ़ें, लोग उनके जीवन के बारे में और अधिक
जाने इस उद्देश्य से हमने निर्णय लिया है कि इस साल हम जोगी जी की जीवन पर छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में सिनेमा का उनकी लाइफ पर जिसे कहेंगे बायोपिक जो होता है वो बनाने का निर्णय भी हम लोगों ने लिया है। और उसकी जानकारी देने के लिए मैं आप जांगड़ी जी हैं, छत्तीसगढ़ के बेहद प्रसिद्ध कलाकार हैं और डायरेक्टर भी हैं, और आप आप इधर आ जाओ, साइड में खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर आ जाओ, बीच में कुर्सी एक और, आप लोग सभी आ जाओ ना, क्या है थोड़ा स्पेस का, हाँ आप लोग अपना सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे आए हमारे टेलीविजन से। छत्तीसगढ़ की जनता को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर सौभाग्य है कि ये फिल्म करे के सौभाग्य दे थे अमित भैया और जोगी फैमिली, हमेशा आभारी भी हूँ ये चीज़ के कि हमारे मन की ये फिल्म नो है, एक सपना से भरे हमारे मन के सपना है। अरविंद भाई निर्माता, हेमलाल भाई म्यूजिक डायरेक्टर है, और ये फिल्म जो है हमन एक सपना लेके चला था, और जो मुला मौका मिले है कि निर्देशन करे कि आप उन सब जाना था कि नए नए विषय नए नए टॉपिक में मैं पिक्चर बनाने का भी कोशिश कराता हूँ। हमें छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज अभी 20 साल हो गए, लेकिन अभी धीरे धीरे नया नया चीज डेवलप हुआ थे, क्रिएट करा था, तो एक बायोपिक जो है ये ऐसे मैं बनाए कोशिश करूँ कि जोगी जी हर एक नौजवान जो अगर चाहने वाला है एक बार पुनः ओला कर दिल में जीवित कर दो। कब से शूटिंग का काम शुरू करेंगे? हाँ, इसके शूटिंग के लिए अभी सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के जो कोना कोना है, कोना कोना से हम अभी कलाकार में इकट्ठा करबो, ऑडिशन लेबो बहुत बड़े लेवल पे, कि जो कि जैसे हमेशा जो छत्तीसगढ़ी है मतलब प्राथमिकता देते, तो वही विषय लेके हम ने फिल्म में मतलब आगे बढ़ा था कि छत्तीसगढ़ के जो टैलेंटेड लड़का है लड़की है, लड़की मतलब हमेशा लगभग मौका मिल जाती है, लेकिन जो लड़का है लड़का मन जो टैलेंटेड है जो मतलब उतना बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाए, तो कोशिश कर वो ऑडिशन के द्वारा कि मतलब उतना बड़े प्लेटफॉर्म दिए जाए। आप जो फिल्म बनाने जा रहे हैं अभी तक कोई मायने में कुछ आया हुआ अजीत जोगी जी का जो कैरेक्टर आपने अभी तक कुछ ऐसा कुछ सोचा है कौन सही हो सकते हैं? अजीत जोगी जी का कैरेक्टर अभी डिफाइंड नहीं है, और मतलब जो उमा उकर एक्टिंग उकर जो जो एक आईएएस आईपीएस है उकर कैरेक्टर जो निभा पाए जो एक्चुअल एक्टिंग दिखा पाए वो चीज वाला मौका हम देंगे। कुछ बजट भी रखे हैं ये फिल्म के? बजट जो है से प्लस एक करोड़ से प्लस है, करके जीवन जो दर्शात है जोगी जी के जिकर कलेक्टर बने स्टार्टिंग लाइफ जो थे बचपना से दर्शात है पिक्चर में जोगी जी के कि गांव के लड़का जो भी होते जो सोच होते जैसे कलेक्टर बनना जीवन में जो संघर्ष भरे लाइफ शुरू से लेकर लास्ट तक राजनीतिक जीवन में जो उतार चढ़ाव जोगी जी के साथ हुए समय एक ऐसे पुरुष पहली बार छत्तीसगढ़ में एक राजनेता ऊपर पिक्चर बनी जोगी जी ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2000 था छत्तीसगढ़ बना एक अंगुरित बीज के समान छत्तीसगढ़, आज वृक्ष दर छाया बना हुआ है, कैसे बना उसकी मेहनत खून पसीना जोगी जी ने कैसे सींचा मार छत्तीसगढ़ को, ये बड़ी बात रहेगी पिक्चर में आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो कितना मेहनत लगे जोगी जी को छत्तीसगढ़ को बनाने में, इसका अस्तित्व को सामने लाने में, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बजट डिफाइंड नहीं है क्योंकि सपना को खरीदा नहीं जा सकता, और उसपे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसको किस तरीके से मतलब कितना बेटर हम लोग प्रेजेंट कर सके, तो हमारा कोशिश वही रहेगा। हमारी जो ये फिल्म है हम चाहते हैं कि घर घर जोगी जी का संदेश पहुंचे, घर घर लोग जोगी जी को जाने, उनके उद्देश्य को जाने, और हर नागरिक जो है आने हर बच्चा जो है वो एक सपना देखे कि मैं भी जोगी। और कुछ प्रश्न अगर करना है मैडम से जाना चाहेंगे। मैम फिल्म बनने जा रही है अब क्योंकि सपनों का सौदागर नाम रखा गया था किताब का, तो अगर अजीत जी जीवित रहते तो क्या नाम होता किताब का, जो कि इसको लेकर मैं इस पर चाहूंगा अगर।
वो सोच रहे थे, कई लोगों से उन्होंने विचार भी इस बारे में उनकी राय चाही थी, बट दुर्भाग्यवश जो मेरा उनसे अंतिम वार्तालाप हुआ था तो वो कुछ स्पष्ट नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि मैं सोच ही रहा हूँ कि क्या नाम रखूं, पर जब लोगों ने बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि प्रकट की तो उसमें से आधे लोग विधानसभा में उन्होंने उनको सपनों का सौदागर बताया, तो तभी मैंने ये घोषणा की थी कि इस बुक का नाम, मैं सोच रही थी क्या रखूं क्या नहीं रखूं, और सदन में ही घोषणा की कि उस पुस्तक का नाम अजीत जोगी सपनों का सौदागर रहेगा। ये फिल्म क्या पूरे जीवन काल के लिए रहेगी या कुछ हिस्से में के हिसाब से? जैसे ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि उनकी पापा का जीवन एक बहुत लंबा समय का जीवन रहा है, अब उसको कैसे दो घंटे में प्रेजेंट किया जाए, इसके लिए प्रारंभिक रूप से एक स्क्रिप्ट भी तैयार है। हमारे कुछ साथी हैं मुंबई में, वो लोग भी उस पर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके जीवन के, सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसको हम लोग दो घंटे में जितना बेहतर तरीके से दर्शा सकते हैं वो करेंगे। ये हर फिल्म में एक विलन भी होता है, इस फिल्म में विलन कौन होगा? अब पिक्चर आइएगा पता चलेगा, कई हीरो रहेंगे कई विलन रहेंगे, हीरो तो एक ही रहेंगे, और हीरो तो एक ही रहेंगे ना, सुपर हीरो और हीरोइन भी मैं बताना चाहूंगा तीन हीरोइन रहेंगी और भी हो सकती है। आपका भी किरदार रहेगा? आपका रहेगा? अब देखिए हमारे ये लोग हैं बताएंगे, पर ये छत्तीसगढ़ में एक जो सिनेमा में भी हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों का सिनेमा लोग देखते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, इस फिल्म को इस लेवल पे बनाया जाएगा कि लोग इसको जरूर इसकी सराहना करेंगे। ये हिंदी में बनेगा कि छत्तीसगढ़ी में बनेगा? दोनों में बनेगा। इन्हें कंप्लीट है ना?